प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडा अध्यापक महेंद्र पाल। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चौथी श्रेणी की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों पाठ 17 माता गुजरी जी, जो कि एक लेख है जिसनू लिखा है रविंद्र कौर द्वारा, पढ़ांगे। माता गुजरी जी का नाम साडे इतिहास विच सुनहरी अखरां विच लिखिया होया है। आप दा जन्म जलंधर जिले दे कस्बे करतारपुर विखे 1627 ईस्वी नूं होया। आप दे पिता दा नां भाई लाल चंद अते माता दा नां बिशन कौर सी। आप हिंद दी चादर कहे जान वाले महान शहीद गुरु तेग बहादुर जी दी सुपत्नी सन। आप सरबंस वारन वाले गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी सन। आप दा सारा जीवन धर्म लई कितियां कुर्बानियां नाल भरिया होया है। जदों गुरु तेग बहादुर जी बकाले विखे तप करन लगे तां माता गुजरी जी उन्हां दी सेवा विच जुट गए। गुरु तेग बहादुर जी ने इत्थे 20 साल तपस्या कीती। जदों गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरगद्दी सौंपी गई ता गुरु जी मनुखता दे कल्याण वास्ते यात्रा ते निकल पए। माता गुजरी जी भी अपना सुख चैन त्याग के गुरु जी नाल यात्रा ते चल पए। गुरु तेग बहादुर जी बनारस पटने आदि तो हुंदे होए आसाम पहुंच गए, पर माता गुजरी जी पटना विखे ही रह गए। पटना विच गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह जी दा जन्म होया। गुरु तेग बहादुर जी आसाम तो सीधे पंजाब आ गए, पर माता जी पटने ही टिके रहे। आपने 7 साल तक इकल्या ही बाल गोविंद राय जी दी पालना पोषणा कीती। माता गुजरी जी अपने इस निक्के बाल नूं लै के आनंदपुर साहब पुजे। इत्थे भी आप नूं बहुत समा परिवारिक सुख प्राप्त ना होया। 2 साल बाद ही गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दे दित्ती। गुरु घर की संभाल की जिम्मेवारी माता जी ते आ पई। गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र उदों केवल 9 साल की सी। बिरध अवस्था विच भी माता जी नूं बहुत सारे शरीरक कष्ट झलदियां कुर्बानी देनी पई। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलां नाल लड़दियां आनंदपुर साहब छड्डिया तां सरसा नदी दे कंडे सारा परिवार विछड़ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े साहबजादियां नाल चमकौर साहब वाले पासे चले गए। माता गुजरी जी छोटे साहबजादियां नाल गंगू रसोईये दे पिंड सहेड़ी पहुंच गए। गंगू रसोईया लालच विच आ गया। उसने छोटे साहबजादियां अते माता गुजरी जी दी खबर सूबा सरहिंद तक पहुंचा दित्ती। सूबा सरहिंद ने उन्हां नूं गिरफ्तार करवा के सरहिंद लै आंदा। इत्थे विरद माता जी अते मासूम साहबजादियां ने अपने सिख धर्म नूं छड के इस्लाम धर्म कबूलन लई बड़े तसीहे अते लालच दित्ते गए। उन्हां नूं अत दी सर्दी दे मौसम विच ठंडे बुरज विच कैद किया गया। इत्थे माता गुजरी जी ने अपने पोतरियां नूं अपने बजुर्गां दीआं कहानियां सुना सुना के उन्हां दा हौसला कायम रखिया। उन्हां ने साहबजादियां नूं जुल्म दा मुकाबला करन अते धर्म ते टिके रहन दी सिख्या दित्ती। जालमां ने साहबजादियां नूं ज्यौंदियां ही नीहां विच चिणवा दित्ता। जदों माता जी नूं इस घटना दा पता लगा तां उन्हां ने ठंडे बुरज विच ही प्राण त्याग दित्ते, जिथे माता जी अते साहबजादे कैद रहे। उत्थे अजकल गुरुद्वारा ठंडा बुरज है, जिथे साहबजादियां नूं नीहां विच चिणिया गया सी उत्थे मुख गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है, जिथे उन्हां दा संस्कार कीता गया उत्थे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब बनिया होया है। माता गुजरी जी दी याद विच स्कूल कालज अते हस्पताल आदि भी उसारे गए हैं। उन्हां दे त्याग शांति दृढ़ता अते कुर्बानी वाले गुणा तो अज भी असी सिक्ख्या प्राप्त करते हाँ। पाठ अभ्यास
याद रखन जो गल्लां प्यारे बच्चों तुसी इन्हां गल्लां नूं याद करना है। माता गुजरी जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी सन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब विखे होया। सरहिंद दा नां अजकल फतेहगढ़ साहिब है। पढ़ो अते समझो सरबंस। प्यारे बच्चों ये इन्हां शब्दां दे अर्थ दिते होए हन जिन्हां नूं तुसी याद करना है। सरबंस सारा परिवार, धर्म फर्ज, कल्याण भरा, त्याग छड्डना, गिरफ्तार हिरासत विच लैना, हौसला हिम्मत दलेरी, जुलम कष्ट देना, दृढ़ता पकियाई मजबूती, तप शरीर नू दुख दे के कीती भगती। ठीक शब्द चुन के खाली थावां भरो। प्यारे बच्चो ये कुछ शब्द दिते हन सानू, इन्हां विचों चुन के असी खाली थावां नू भरना है। माता गुजरी जी दा नां साडे इतिहास विच डैश अखां विच लिखिया होया है सुनहरी। आप दा सारा जीवन डैश लई कीतियां कुर्बानियां नाल भरिया होया है। धर्म आप दा सारा जीवन धर्म लई कीतियां कुर्बानियां नाल भरिया होया है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलां नाल लड़दियां आनंदपुर साहिब छड्डिया तां डैश नदी दे कंढे सारा परिवार विछड़ गया। सरसा नदी जालमां ने साहिबजादियां नूं ज्यौंदियां ही डैश विच चिनवा दिता, नीहां विच चिनवा दिता। माता जी ने डैश विच ही प्राण त्याग दिते ठंडे बुरज विच ही। हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर लिखो। माता गुजरी जी कौन सन? माता गुजरी जी हिंद दी चादर कहे जाण वाले महान शहीद गुरु तेग बहादुर जी दी सुपत्नी अते आप सरबंस वारन वाले गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी सन। गुरु तेग बहादुर जी ने किथे तप किता? गुरु तेग बहादुर जी ने बकाले विखे तप किता। माता गुजरी जी ने पटना साहिब रह के की किता? पटना साहिब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया। माता गुजरी जी ने 7 साल तक इकलिया ही बाल गोविंद राय जी की पालना पोषणा की। सरसा नदी के कंडे जदों सारा परिवार विछड़ गया तो छोटे साहबजादे किथे गए? सरसा नदी के कंडे जदों सारा परिवार विछड़ गया तो छोटे साहबजादे माता गुजरी जी नाल गंगू रसोईये दे पिंड सहेड़ी पहुंच गए। माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादियां दी गिरफ्तारी किस तरह होई? गंगू रसोईये ने लालच विच आ के माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादियां दी खबर सूबा सरहद तक पहुंचा दिती। सूबा सरहद ने उन्हां नूं गिरफ्तार करवा के सरहद लै आंदा। सूबा सरहद ने माता जी अते साहबजादियां नाल की सलूक किया? सूबा सरहद ने माता जी अते साहबजादियां नूं अपना सिख धर्म छड के इस्लाम धर्म कबूलन लई बड़े तसीहे अते लालच दिते। अत दी सर्दी दे मौसम विच ठंडे बुरज विच कैद किया गया। पढ़ो समझो अते लिखो। खेड खेडा प्यारे बच्चों, खेड खेडा इन देख के सानू पता लगता है कि ये एक वचन बहुवचन हैं। असी इन्हां दे वचन बदलने हैं। खेड किसी एक खेड का नाम है। खेडा जिदे विच एक तो ज्यादा खेडा हो सकदियां हैं। इसे तरह सूबा सूबे देश देसा इमारत इमारतां शहर शहरां मेला मेले। हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो।
धर्म माता गुजरी जी का सारा जीवन धर्म लई कितियां कुर्बानियां नाल भरिया होया है। सेवा जदों गुरु तेग बहादुर जी बकाले विखे तप करन लगे तां माता जी उन्हां दी सेवा विच जुट गए। शांति माता जी दे त्याग शांति दृढ़ता अते कुर्बानी वाले गुणा तों अज भी असी सिख्या प्राप्त करते हाँ। शहीदी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी तो बाद गुरु घर की संभाल की जिम्मेवारी माता जी ते आ पई। त्याग माता जी भी अपना सुख चैन त्याग के गुरु जी नाल यात्रा ते चल पे। प्यारे बच्चों मैं इन्हां वाकां नूं तुहाडे पाठ विचों बनाने की कोशिश की है, तुसी इस नूं अपने तरीके नाल भी कर सकते हो। दसे अनुसार शब्दां नूं मिलाओ, ये सानूं दस्या होया है करतारपुर माता गुजरी जी का जन्म होया सी करतारपुर विखे, इसे तरह आपां इन्हां नूं मिलाना है बकाला, बकाले विखे गुरु तेग बहादुर जी ने तपस्या की। पटना पटने विखे गोविंद राय श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होया सी। सरसा नदी परिवार विछोड़ा होया। ठंडा बुरज माता गुजरी जी अते साहबजादियां नूं कैद रखा गया। ज्योति स्वरूप माता गुजरी जी अते साहबजादियां दा संस्कार किया गया। पढ़ो अते समझो प्यारे बच्चो, ये कुछ शब्दां दे अर्थ सानूं दित्ते हुए हैं जिन्हां नूं असीं समझना है अते याद करना है। ज्योति जो समाउणा देह त्यागना मरना, पालन पोषण करना परवरिश करना, तसीहे देना कष्ट देना, शहीदी देना देश जा धर्म की खातर जान वारना, तपस्या करनी शरीरक सुखां नूं त्याग के भगती करनी, सरबंस वारना सारा परिवार वारना। दस गुरुआं दे नाम लिखो अते उन्हां बारे जानकारी प्राप्त करो। श्री गुरु नानक देव जी प्यारे बच्चो सिख धर्म दे मोढ़ी अते पहले गुरु हन। श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु हर राय जी, श्री गुरु हर कृष्ण जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। प्यारे बच्चों तुसी ये दस गुरुआं दे नाम याद रखने हैं अते इन्हां बारे होर जानकारी प्राप्त करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो, उम्मीद करता हाँ इस वीडियो भी ये वीडियो भी तुहाडे लई लाहेवंद साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।